हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका एक बार फिर से आज आप सबके सामने। बच्चों, जैसे कि हमने डिमांड का टॉपिक शुरू किया हुआ था, तो अब हम उसके बिल्कुल एंड पे आ गए हैं। और आज मैं आपको इलास्टिसिटी के डायग्राम्स समझाऊंगी, जिसको हम डिमांड कर्व्स भी कहते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटीज। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इलास्टिसिटी विद इट्स न्यूमेरिकल। अगर हम इसमें जब ये डायग्राम खत्म कर लेंगे, तो मैं इसमें एक न्यूमेरिकल भी बताऊंगी आपको कि किस तरीके से इसको डिमांड को हम इसकी इलास्टिसिटी को काउंट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो होती है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो जब प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंजेस आते हैं, तो उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ये मेरे पांच डायग्राम्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। देयर आर फाइव केसेस इन इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। नंबर वन इज व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। नंबर टू, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। थ्री, व्हेन इट इज यूनिटरी इलास्टिक। फोर्थ, व्हेन इट इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। एंड फिफ्थ, व्हेन इट इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। देयर आर फाइव केसेस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Let's discuss it about one by one. First of all, perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand क्या है? Perfectly elastic demand का मतलब है कि जब आपका price constant है, but demand keeps on changing with the passage of time. देखिए, एक simple सी बात है, कोई कोई product ऐसे होते हैं जिसका price नहीं change होता, but उसकी demand with the passage of time change होती रहती है। अगर मैं बात करूं लग्जूरियस गुड्स की, या कुछ ऐसे गुड्स जो बियॉन्ड लग्जरी गुड्स हैं जिनका प्राइस ना चेंज होते हुए भी डिमांड चेंज होती है, जैसे फैशन आउट हो गया या टेस्ट चेंज हो गया, तो उनकी वजह से जो डिमांड में इलास्टिसिटी आती है, उसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हियर यू कैन सी द प्राइस इज कॉन्स्टेंट, बट द क्वांटिटीज डिमांडेड इज गोइंग ऑन, की इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये आपका वाई और एक्स एक्सिस पे, मैंने वाई पे प्राइस लिया है, एक्स पे क्वांटिटी ली है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस कांस्टेंट है, हमारा डिमांड का कांस्टेंट है, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बार बार चेंज होती जा रही है। इस केस में हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इस पे हम इलास्टिसिटी को इन्फिनिटी मानते हैं। इसी केस को दूसरे लेवल पे देखते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिसमें प्राइस आपका देखिए चेंज होता जा रहा है, बट डिमांड जो है वो कांस्टेंट है। प्राइस के चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड जो है वो कांस्टेंट जा रही है, और यहां पर कोई इलास्टिसिटी नहीं है, जितना मर्जी प्राइस चेंज होता रहे डिमांड इज कांस्टेंट, इट इज जीरो। तो इस वजह से इसको कहते हैं इलास्टिसिटी इज इनइलास्टिक एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। तो ये दोनों मैं आपको बता दूं इमेजिनरी केसेस माने जाते हैं इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इनके लिए देने के लिए कोई एग्जांपल नहीं है हमारे पास। दीज आर प्योर इमेजिनरी केसेस। अब चलते हैं कुछ रियल केसेस के ऊपर। एक है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। व्हाट यू मीन बाय यूनिटरी इलास्टिक? यूनिटरी इलास्टिक इज दैट डिमांड जिसमें प्राइस जितना चेंज आता है उतना ही डिमांड में भी चेंज आता है। देखिए, यहां पर प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में भी चेंज आ रहा है। तो परसेंट प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू प्रोपोर्शन चेंज इन डिमांड। हेयर इलास्टिसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू वन। क्यों? क्योंकि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है, चेंज इन क्यू, पी अपॉन चेंज इन क्यू, तो ये इज इक्वल टू वन के बराबर होता है। तो हेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन। यहां पर जो आपका डिमांड कर्व है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल आपका ऐसे एंगल पे बना हुआ है जहां पर प्राइस और क्वांटिटी का जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, तो इसीलिए यूनिटरी इलास्टिक बीच में होता है। देन दूसरा जो है वो है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है? जब यूनिटरी से कम, मतलब वन से नीचे होती है इलास्टिसिटी। वन से नीचे होने का मतलब क्या है कि आपका जो प्राइस है, जो आपका प्राइस है वो आपकी क्वांटिटी से अलग है। दैट मींस बहुत ज्यादा प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी चेंज हो रही है। देयर इज ह्यूज गैप इन प्राइस बट वेरी लेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको कहते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। इसके कुछ एग्जांपल्स अभी मैं इन तीनों के एग्जांपल्स आपको बताऊंगी, क्योंकि ये रियल केस है। ऐसा किस केस में होता है कि जब प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आता है और बहुत थोड़ा सा डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है? तो ये हम बात कर रहे हैं नेसेसरी गुड्स की। नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी गुड्स में आती हैं आपकी मेडिसिंस, डेली कंज्यूमर आइटम्स, ये सब चीजें आती हैं। तो नेसेसरी गुड्स के केस में क्या होता है कि प्राइस जितना मर्जी चेंज होता रहे आपकी डिमांड पे बहुत थोड़ा या नेग्लिजिबल इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर हम इस केस की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है नॉर्मल गुड्स, क्योंकि जितना प्राइस में चेंज होता है उतनी ही डिमांड में भी चेंज आता है, अदरवाइज हम किसी और पे शिफ्ट कर जाते हैं। लास्ट इज द केस ऑफ मोर देन यूनिटरी इलास्टिक।
मोर देन यूनिटरी इलास्टिक क्या है? मोर देन यूनिटरी इलास्टिक एक ऐसा इलास्टिसिटी का केस है जिसके अंदर बहुत थोड़ा सा प्राइस चेंज होने पर भी डिमांड में बहुत ज्यादा गैप आ जाता है या बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। बहुत थोड़ा प्राइस में बहुत ज्यादा डिमांड में चेंजेस में एग्जाम्पल आते हैं लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हैवी इन्वेस्टमेंट वाले गुड्स हैं, जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, आपके टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कोई भी ऐसी चीज है जिसके लिए आपको काफी ज्यादा जो है सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत थोड़ा सा प्राइस चेंज होता है तो आपकी डिमांड बहुत फ्रीक्वेंटली उस पर शिफ्ट ऑन हो जाती है। तो दिस इज द केस ऑफ मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। तो हमारे पांच केसेस हो गए, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक एंड मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। अब इन पांचों केसेस को हमने डायग्रामेटिकली पढ़ लिया, थ्योरेटिकली पढ़ लिया, अब हम इसको प्रैक्टिकली पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने एक छोटा सा यहाँ फॉर्मूला लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इनटू पी अपॉन क्यू। यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि जितना क्वांटिटी में चेंज होता है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में, उसको डिवाइड करेंगे प्राइस में जितना चेंज आ रहा है इनटू में प्राइस अपॉन क्यू। एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पर, अगर सपोज किसी चीज का प्राइस पहले 10 रुपए था, अब वो प्राइस चेंज होके 12 रुपए हो गया और क्वांटिटी उसकी पहले 10 रुपए पे जो क्वांटिटी थी वो थी 50 यूनिट और अब 12 रुपए पे हो गई 40 यूनिट। अब यहाँ पर आप एक छोटी सी चीज देख सकते हैं, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी में फॉल आया है। जब प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी फॉल कर रहा है, तो हम इस फॉर्मूले से ये जान सकते हैं कि इलास्टिसिटी कितनी है। तो इस फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, चेंज इन क्यू मतलब Q2 - Q1 दैट इज 10 एंड चेंज इन पी इज P2 - P1 दैट इज 2 इनटू में प्राइस, ओरिजिनल वाले प्राइस की यहां बात हो रही है और ओरिजिनल क्वांटिटी की बात हो रही है। यहां पर मेरा आंसर 1 आ रहा है। एक चीज और यहाँ पर नोट डाउन करने वाली है, आप सोचेंगे मैंने यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा भी देती तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इलास्टिसिटी में का जो फॉर्मूला होता है इसके आगे बाय डिफॉल्ट एक माइनस का साइन होता है। इसका रीजन भी आपको बताती हूँ कि फॉर्मूले में माइनस का साइन क्यों लगा होता है। माइनस का साइन हमेशा लगा होता है तो प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डाउन जाती है, तो इसकी वजह से एक नेगेटिव रिलेशन होने की वजह से हम वो नेगेटिव साइन ना फॉर्मूले में लगा देते हैं। फॉर्मूले में नेगेटिव साइन लगाने से जब भी आपका आंसर माइनस में आता है तो बाय डिफॉल्ट इसके साथ कट के पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए हम माइनस का साइन लगाते ही नहीं है। तो ईडी इज इक्वल टू 1 दैट इज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इलास्टिसिटी अगर 1 आ गई तो इन पांचों में से जरा केसेस में से देखिए आप कि अगर इलास्टिसिटी 1 आ गई तो इलास्टिसिटी कितनी क्या हुई? यूनिटरी इलास्टिक, क्योंकि यहां पर इक्वल टू 1 के बराबर है। अगर ये मेरा आंसर आ जाता 0.5 या 0.6 या 0.7 तो इसका मतलब क्या होता कि इलास्टिसिटी इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। अगर ये आंसर आता 1.2 1.4 1.5 तो ये होता है इलास्टिसिटी इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। अगर ये आंसर आता 0 तो हमारा आंसर क्या होता? परफेक्टली इन इलास्टिक। और अगर मेरा आंसर आता इन्फिनिटी तो परफेक्टली इलास्टिक। सिंपल सी बात है, जो भी न्यूमेरिकल में आंसर आएगा उसकी जजमेंट आप इन पांचों केसेस से कर सकते हैं। तो आपको ये पांचों केसेस के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, कभी कभी ये लोग इधर का ये वाला पोर्शन गायब कर देंगे, कभी ये गायब कर देंगे, कभी ये गायब कर देंगे। आपको बेसिक मैथ्स आती है तो आप इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और इसके साथ हमारा डिमांड का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है, और आप इस टॉपिक को अच्छे से गो थ्रू कीजिए और मेरे वीडियोस को यूं ही लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।